इंदौर की जीआरपी पुलिस ने बालाघाट जिले में दबिश देकर एक शातिर चोर को पकड़ा है। पिछले 3 सालों से ये पुलिस को चकमा दे रहा था। उसने स्टेशन से लैपटॉप मोबाइल कैमरा चोरी किया था। रोचक बात यह है कि इस प्रकरण का खात्मा भी हो गया था, लेकिन 3 साल बाद साइबर सेल की CDR रिपोर्ट आने के बाद चोर के सुराग मिले। इंदौर के पागनिस पागा निवासी अनुराग कटारिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर कार पार्किंग में खड़े हुए थे। अनुराग का ध्यान जरा हटा तो नीचे रखा बैग कोई उड़ा ले गया। बैग में पासपोर्ट, फोटो कैमरा, लैपटॉप, मोबाइल सहित अन्य सामान था। ये घटना करीब 3 साल पहले 2016 की है। तब अज्ञात चोर के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध होकर जांच चली। बाद में कुछ जानकारी नहीं मिलने पर इस मामले की फाइल का खात्मा हो गया। अब 3 साल बाद साइबर सेल ने CDR रिपोर्ट GRP पुलिस को सौंपी। रिपोर्ट से मिले सुराग के आधार पर GRP थाने के जांच अधिकारी अब्दुल शकील खान ने तहकीकात शुरू की। 2016 अपराध क्रमांक 2916 का अपराध था ये, और इसके पहले ASI राजन शर्मा ने इसकी विवेचना की थी, तो इसमें खात्मा कट गया था। लेकिन खात्मा करने के बाद 2 साल 2.5 साल बाद तकरीबन ये साइबर सेल से CDR प्राप्त हुई है उस गुम मोबाइल की, जो चोरी गया था मोबाइल, कैमरा और लैपटॉप। तो तकरीबन 50,000 का लैपटॉप था सोनी कंपनी का, और निकोन कंपनी का 15,000 का कैमरा था, और 7,000-8,000 का तकरीबन मोबाइल था। जो साइबर सेल से कैब प्राप्त होने के बाद मैंने फरवरी माह में इसकी विवेचना शुरू करी। बालाघाट की लोकेशन आई थी CDR के आधार पर, वहाँ छापा मारा उन्होंने। हम 3-4 साथी गए थे वहाँ पता करने। बेहर से जो जिला बालाघाट पड़ता है वहाँ से हमने आरोपी बंटी को पकड़ा। उसके आधार पर उससे पूछताछ करी, उसने स्वीकार किया। जुर्म स्वीकार करने के बाद उससे हमने माल जब्त किया। माल जब्त करके यहाँ लाए, जिसे हमने न्यायालय पेश किया।